नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा, पूर्व सांसद, सज्जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव आज फिर सड़क पर थे और उस सड़क पर थे टीईटी छात्रों के पक्ष में। टीईटी छात्रों के लिए वे सड़क पर उतरे थे पूर्व सांसद पप्पू यादव, और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार 50,000 टीईटी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या कहा है पप्पू यादव ने, एक बार आप सुन लीजिए। भाई, सबसे पहले जिस तरीके से बर्बर लाठी चलाई और महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ है पुलिस का, और जिस तरीके से हमारी बहन और बेटियों को गाली दी गई, जिसको हमारी सरकार ने भी सुना होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी देखा होगा, डीजी ने भी देखा होगा, 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, बर्खास्त करने की जरूरत है। और जिस तरीके से लगातार वादे पर वादे, और फिर क्या हुआ, 13 वादा, अब चुनाव के घड़ी फिर आप लॉलीपॉप दिखा दें और लगातार अपने अधिकार की बात करने वाला जो हमारा 50,000 लगभग 45,000 टीटी हर तरह के प्रक्रिया को इन्होंने फुलफिल किया है। सरकार जिस जिस प्रक्रिया की बात किया उन्होंने फुलफिल किया है। आपने हमेशा इनको आश्वासन दिया कि जब समान काम समान वेतन की बातें हो जाएगी तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे, फिर हम आपके इन चीज़ों को लेंगे। अब नई बातें बहाली होगी, टीईटी के पहले से प्रक्रिया पूरी करके जिस तरीके से हमारे 50,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप कभी भी यदि इस तरीके से गंभीर नहीं होंगे तो फिर परिस्थिति बदल जाएगी। तो आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इन 50,000 फैमिली के लाइफ जीवन के साथ जो संवैधानिक रूप से सरकार के हर रूल को फॉलो करते हुए जो टीईटी पास किया है, और सरकार कहती रही है कि हम सबसे पहली प्राथमिकता टीईटी शिक्षक को देंगे और उसके बाद फिर लगातार टीईटी प्रक्रिया पूरी करने वाले बहनों को और छात्रों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी कर रहे हैं, ना उनके साथ आप वार्ता करते हैं, आज वो आत्महत्या के लिए विवश हैं, कहता है यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे। तो मुझे लगता है, और हमारे एक बड़े भाई उप मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं अपने दूसरों के बारे में तो उनको बहुत जानकारी है लेकिन अपने बारे में कितना जानते हैं, और इनके बारे में मुझको नहीं जानकारी। निश्चित रूप से मैं निंदा करता हूं जो तरीके से उन्होंने कल व्यवहार किया है, उनको गंभीरता से सुनना चाहिए और इन लोगों की बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करके 50,000 बच्चे जो टीईटी के हैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जो इनके साथ अपमानित किया है, लाठी चलाया है, गाली दिया है, वो बर्खास्त हो। तो बिहार के टीईटी छात्रों को पप्पू यादव का समर्थन मिला है, उनका साथ मिला है, और टीईटी छात्रों को लेकर पप्पू यादव आज सड़क पर उतरे थे, सरकार पर इल्जाम लगाया, आरोप लगाया, हमला किया कि सरकार इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनके परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बड़ी बात कही है पप्पू यादव ने। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। NSIT, अम्हारा बेटा पटना।